चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास यूनिक्स का। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले शेल होता क्या है, शेल के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन होगा, पहले डेफिनेशंस होगी कौन कौन सी शेल्स हैं हमारे पास और हम कौन सा शेल यूज़ करेंगे, और साथ साथ फिर प्रैक्टिकल पार्ट पे जाएंगे और जहाँ पे हम पूरे प्रैक्टिकल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो कोशिश करेंगे आज इस लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की। तो सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे शेल। शेल होता क्या है अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, तो एक यूनिक शेल की अगर हम बात करते हैं हम कहते हैं इट्स नथिंग जस्ट अ प्रोग्राम, या सिंपली आप कह सकते हैं एक कमांड भी हम कह सकते हैं। जो एक शेल होता है यानी कि जो हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये भी एक शेल ही एक प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं शेल इज़ ए प्रोग्राम, और एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर जिसको हम बोलते हैं। इंटरप्रेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो शेल होती है वो इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज होती है, यानी कि इसमें जो हमारी चीज़ें होती है वो लाइन बाई लाइन चेक की जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं शेल इज़ ए प्रोग्राम और ए कमांड लाइन इंटरप्रेटर आप कह सकते हैं, जो हमारी कमांड्स को इंटरप्रेट करता है। दैट इंटरप्रेटर इंटरप्रेट्स आर कमांड्स, या जो यूज़र ने कमांड्स लिखी होती है उनको ये क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। या सीधे एक फाइल अगर हमने बनाई उसमें हमने बहुत सारी कमांड्स लिखी होगी उन्हीं को सिंपली एग्जीक्यूट करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं शेल। यानी कि जैसे फॉर इंस्टेंस मैं ये शेल यूज़ कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ PWD, तो एक कमांड एग्जीक्यूट हो गई और मुझे यहाँ पे पता चल गया कि मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो कौन सी है। लेकिन ये कमांड एग्जीक्यूट किसने की, इस शेल ने, यानी कि एक प्रोग्राम जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी, इसी को हम बोलते हैं शेल। तो यूनिक शेल नथिंग आप कह सकते हैं ये एक प्रोग्राम होता है या कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है, जो यूज़र कमांड्स को क्या करता है, जो यूज़र ने एंटर की होती है डायरेक्टली, जैसे मैंने अभी PWD डायरेक्टली कमांड लिख दी, या फिर एक फ़ाइल में हमने कुछ कमांड्स लिखी होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, और फिर उन्हीं चीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस करता है। रिमेंबर दैट, यानी कि ये जो कमांड्स होती है इनको इंटरप्रेट करके पास किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, फिर उनको वो प्रोसेस करता है हमारे पास, ठीक है। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो शेल होता है ये एक कंपाइल्ड सिस्टम नहीं है, यानी कि इसमें कंपाइलेशन नहीं होती है। तो जो इंटरप्रेटर होता है इसमें इंटरप्रिटेशन होती है, दैट मीन जितनी भी शेल स्क्रिप्ट्स होती हैं, सो यू डोंट नीड टू कंपाइल देम फॉर एग्जीक्यूशन, यू हैव टू सिंपली इंटरप्रेट देम। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो शेल होती है, इसलिए हम इसको हम बोलते हैं इट्स एन इंटरप्रेटेड कमांड लाइन इंटरप्रेटेड, आप कह सकते एक प्रोग्राम होता है जो हमारी कमांड्स को इंटरप्रेट करता है, यानी कि जो आप कमांड लिखते हैं उतनी चीज़ को एग्जीक्यूट किया जाता है, कंपाइल लैंग्वेज ही नहीं होती हमारे पास, ठीक है। तो ये सिंपल डेफिनेशन है छोटी मोटी सी कि एक शेल होता क्या है हमारे पास। तो अगर टू द पॉइंट आपसे कोई पूछेगा शेल क्या है, तो आप उसको सीधे बोलेंगे कि शेल जो है एक प्रोग्राम होता है हमारे पास, या आप कह सकते हैं जो हमारी कमांड्स को इंटरप्रेट करता है, जो हमने या तो डायरेक्टली उसमें लिख दी होती है या एक फाइल में जो हमने कमांड्स लिखी होती हैं फिर उसका काम होता है उन्हीं को इंटरप्रेट करना, उन्हीं को चेक करना, एग्जीक्यूट करना, फिर वही प्रोसेस करने के लिए फिर भेजता है कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, मैंने यहाँ पे अभी PWD लिखी, एक कमांड डायरेक्टली मैं शेल में ही यूज़ कर रहा हूँ, ये जो मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ ये भी एक शेल ही है। ये कौन सी शेल है ये भी आपको अभी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये करंटली हम जो शेल यूज़ कर रहे हैं ये कौन सी शेल है। या और एक कमांड जैसे ls, तो ये भी एक कमांड है, इसको भी किसने एग्जीक्यूट किया, मेरे शेल ने। मींस ये जो ब्लैक विंडो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ठीक है, ये एक प्रोग्राम है एक्चुअली। जैसे हमने सी में एक प्रोग्राम लिखा होता है, सी आउट लिखते हैं या प्रिंट एफ लिखते हैं, तो उसका जो एक कंसोल पार्ट आता है जब उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है वो एक प्रोग्राम रन हो रहा होता है। तो सेम इसको भी किसी ने पीछे से लिखा है और उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसमें हम कमांड्स लिख रहे हैं और उनको एग्जीक्यूशन हो रही है। तो आई होप ये जो शेल का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया। तो करंटली अगर हम देखेंगे हमारे पास बहुत टाइप्स शेल्स अवेलेबल है, तो जो हमारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हैं डिफरेंट टाइप्स हमारे पास शेल्स अवेलेबल है। तो कौन कौन सी शेल्स है हमारे पास, जैसे हमारे पास आपको मिलेगा बॉर्न शेल है, सी शेल है, इसी तरीके से कॉर्न शेल है, इसी तरीके से GNU शेल है,
GNU Bourne Shell, ये सारे शेल ही है लेकिन अलग अलग फ्लेवर्स के साथ। कुछ में कुछ फंक्शनैलिटीज़ है, कुछ में कुछ चीज़ें हैं, कुछ में नई चीज़ें ऐड की गई, कुछ में ग्राफिकल पार्ट है। तो ये एक्चुअली सारे, लेकिन असल में है क्या हमारे पास, ये शेल्स ही हमारे पास है, यानी कि जिनका काम है हमारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो ये है टोटल हमारे पास कुछ शेल्स जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कितनी शेल्स है जो हम, तो बॉर्न शेल है, सी शेल है, कॉर्न शेल है, GNU बॉर्न शेल है, तो ये सारी शेल्स ही है, यानी कि एक प्रोग्राम्स हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करते हैं हमारे हमारी जो प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने के लिए, इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब जैसे अगर आपको चेक करना है कि आप कौन सा शेल यूज़ करें, यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि अगर आपने लिनक्स है यूनिक्स इंस्टॉल किया है तो आप कौन सा शेल यूज़ कर रहे हैं, या आपके पास कौन कौन सी बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में शेल्स अवेलेबल, तो आप यू कैन राइट कैट /shell। तो जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी शेल्स जो है वो विजिबल हो जाएगी आपके पास, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल। फिर आपकी अपनी मर्जी है कौन सी शेल आपको यूज़ करें, सिंपल शेल, बॉर्न शेल होगी, बैश हो सकता है, कॉर्न शेल हो सकता है, सी शेल, GNU शेल, तो ये फिर आप पे डिपेंड करता है आप किस शेल को यूटिलाइज़ करेंगे। बट अगर आपको चेक करना होगा कि आप कौन सा शेल यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे एक कमांड लिखूँगा विच शेल, सिंपल एक कमांड लिख दी मैंने यहाँ पे विच शेल, और सिंपली आई से विच बैश, तो आप देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बिन बैश। तो ये बैश क्या है, तो हम बैश शेल को ही यूज़ करने वाले हैं। तो ये बैश शेल होती कौन सी है, जिसको हम बॉर्न अगेन शेल भी बोलते हैं, जो फेमस हैं जिसको हम बोलते हैं बैश शेल। है क्या ये असल में एक शेल ही है हमारे पास, जिसको हम बॉर्न अगेन शेल बोलते हैं। इट इज़ अ ट्रिब्यूट बॉर्न शेल, जिसने पहले शेल इन्वेंट की थी हमारे पास, जिसका नाम था स्टीव बॉर्न, तो उसी के ना ट्रिब्यूशन पे ये एक शेल यूज बनाई गई जिसका नाम है बैश शेल। बैश शेल क्या, एक प्रोग्राम ही है जिसको रिटन किया है ब्रायन फॉक्स ने, और आप कह सकते हो ये अपग्रेडेड वर्जन है किसका, बॉर्न शेल का, इट्स एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ बॉर्न शेल। तो हम भी कौन सा शेल ही यूज़ करेंगे, बैश। तो बॉर्न शेल शॉर्ट फॉर SH, यानी कि जो भी हम शेल फाइल बनाएंगे, यानी कि जो शेल स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे उसका भी एक्सटेंशन क्या होगा, .sh। SH रिप्रेजेंट करता है शेल को, ठीक है, तो रिमेंबर दैट। अब ये पहला रिलीज़ कब किया गया था, 1989, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग डेट्स मिल सकती है, बट जो फेमस वाली डेट है तो आप कह सकते हो कि जो बॉर्न शेल थी इट वॉज़ रिलीज इन 1989, ठीक है। तो फिर इसमें नई चीज़ें ऐड होती गई, चेंजिंग आई गई, जैसे इसमें कुछ कमांड लाइन एडिटिंग ऐड की गई, की बाइंडिंग ऐड की गई, कमांड हिस्ट्री या अनलिमिटेड साइज, ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड की गई इसमें, किसको, बॉर्न शेल को ही। तो इसी को फिर नाम दिया गया बैश। तो बैश क्या है, आप कह सकते हो ये भी एक शेल ही है, ये भी एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर है जो टिपिकली रन करते हैं हम, जो अभी मैं शेल यूज़ कर रहा हूँ ये भी हमारे पास बैश शेल ही है, जो हमारे कमांड्स को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है हमारे पास, ठीक है, और उसी को फिर हम यूटिलाइज़ करते हैं। अब बैश जो है सबसे फेमस है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ जो है ऐड की गई। तो बैश इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो इसका अर्ली वर्जन था बॉर्न शेल, जिसको इन्वेंट किया गया था स्टीवन बॉर्न था, उसी के ट्रिब्यूशन में इसका नाम रखा गया बैश। बैश का मतलब होता है बॉर्न अगेन शेल, यानी कि SH स्टैंड फॉर शेल, BA स्टैंड फॉर बी मीन्स बॉर्न अगेन, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बॉर्न अगेन शेल भी बोलते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, बैश का एक्रोनियम जो है हमारे पास, इट इज़ नथिंग जस्ट बॉर्न अगेन शेल, ठीक है। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट, तो अभी जब मैंने कमांड अपने इसमें यूज़ किया शेल में, तो उसने दिखाया बैश, तो दैट मीन्स मैं भी कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, बैश ही यूज़ कर रहा हूँ। तो आप कोई भी शेल यूज़ कर सकते हैं, सी, कॉर्न, तो बेसिक कमांड्स और जो सिंटेक्स है वो सेम वैसा ही है, तो वो कहीं पे भी आपको वर्क करेगा। हाँ, कुछ नई चीज़ें ऐड की गई बैश में, इसलिए ज़्यादातर जो प्रोग्रामर्स जो है वो ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, बैश शेल को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पहले ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा बैश क्या है, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं हो जाइएगा कि
अब ये बैश का ये भी वही है जो हमने ऊपर देखा, एक प्रोग्राम है, एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर है जो हमारे कमांड्स को इंटरप्रेट करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, सिंपली। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है, सर शेल स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट किसी चीज़ को भी बोल सकते हैं, यानी कि एक फाइल बोलते हैं हम जिसमें हमने कमांड्स लिखी होती है, उसी को हम शेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। यानी कि बहुत सारी कमांड्स अगर हमने एक फाइल में लिखी होती है जिनका एक स्पेसिफिक काम हमने दिया होता है कि भाई जब ये फाइल एग्जीक्यूट करेगी तो आपको ये करना है। जैसे सपोज़ मैंने एक फ़ाइल बनाई है, उसमें मैं यूज़र से डिटेल ले रहा हूँ, यूज़र नेम और पासवर्ड ले रहा हूँ, तो बट वो यूज़र से वो डिटेल लेने के लिए पीछे से कुछ कमांड्स तो मैंने यूज़ की होगी उस फाइल में, जिससे फिर वो अपना इनपुट दे रहा है, फिर पासवर्ड दे रहा है, यूज़र नेम पासवर्ड दे रहा है, तो वो जो कमांड्स मैं लिख रहा हूँ ये भी कुछ सीरीज़ ऑफ कमांड्स मैंने लिखे एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए। अब जो वो सिंपल वो फाइल बन गई, उसी को हम बोलते हैं शेल स्क्रिप्ट, उसी को हम, क्योंकि वो कमांड्स मैंने किस में लिखी है? शेल में लिखी है, समझ आ रही है बात? तो ये सिंपल आप कह सकते हो, द कम्बिनेशन ऑफ कमांड्स एज अ सीरीज विद इन अ फाइल इज नोन एज शेल स्क्रिप्ट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? शेल स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अच्छे से आए समझ? चलिए ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट, बैश क्या है, शेल क्या है हमारे पास, हमारे पास किस किस टाइप की शेल्स जो है वो अवेलेबल है हमारे पास। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्स है जो हमने यहाँ पे देखी, कि बॉर्न शेल है, सी शेल है, कॉर्न शेल है, GNU बॉर्न शेल है। तो आई होप ये आपका जो पहला कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ होगा कि शेल एक्चुअली है क्या। तो इट्स नथिंग जस्ट अ प्रोग्राम और अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर दैट प्रिंट्स द यूज़र कमांड्स विच इधर इंटर्ड बाई यूज़र डायरेक्टली और विच कैन बी रेड फ्रॉम अ फाइल। तो जो वो फाइल होगी ऑल्सो नोन एज शेल स्क्रिप्ट जिसको हम बोलते हैं, देन इट पासिस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। तो इस तरीके से ये सिंपल कॉन्सेप्ट है शेल का कि शेल होता क्या है हमारे पास, ठीक। चलिए तो आप चलते हैं आगे, जो नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। अगर हम देखेंगे किसके बारे में, तो हिस्ट्री आप खुद भी देख सकते हैं कि हम जो शेल यूज़ करें दैट इज़ बैश। तो आप कोई भी शेल यूज़ कर सकते, जैसे मैंने अभी कौन सी शेल यूज़ कर रहा हूँ मैं, दैट इज़ बैश। अगर आपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया है बन, तो आप वहाँ पे ये कमांड लिखिएगा विच बैश, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यू आर यूजिंग बैश, ठीक है। तो हम बैश यूज़ करें दैट इज़ बॉर्न अगेन शेल यूज़ करें, तो आपके पास बहुत सारे शेल्स अवेलेबल, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको चेक करना होगा कि आपके पास कौन कौन सी शेल्स अवेलेबल है, तो आई सेड आप उसके लिए ये कमांड लिख सकते हैं, ठीक, क्लियर। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारे पास, यहाँ पे आप देखेंगे अब बैश के जो कुछ फीचर्स हैं वो भी आप याद रख सकते हैं, कि जो बैश शेल है ये कंपैटिबल है हमारे पास सिंपल बॉर्न शेल के साथ भी, यानी कि क्योंकि इसको ओरिजिनली डिराइव किससे किया हमने, यूनिक्स की जो बॉर्न शेल है उससे ही रही, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके से इसमें सिंगल कमांड लाइन जो ऑप्शन है वो भी इन्वोक आप कर सकते हैं, जैसे लाइक डैश ए हमने यूज़ किया फॉर ऑल, लाइक डैश बी, डैश सी, डैश एल, तो ये सारी जो कुछ कमांड लाइन सिंगल लाइन कैरेक्टर कमांड से उनको भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इवन मल्टी कैरेक्टर कमांड लाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे डैश डैश लॉगिन, डैश डैश हेल्प, ये सारी चीज़ें भी आप यूज़, या की बाइंडिंग का कौन सा बैश में ऐड किया गया वो भी आप यूज़, यानी कि ताकि जो यूज़र है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज एडिटिंग कर सकते हैं। वन डायमेंशन एरेज का कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ भी इसमें ऐड की गई, या इसी तरीके से कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी कि सेलेक्ट कंस्ट्रक्ट लाइक इफ एल्स जैसी चीज़ है वो भी आप यूटिलाइज़। तो ये कुछ फीचर्स जो है यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, और डिटेल में आपको लिंक में इंशाल्लाह एक फ़ाइल मिलेगी आपको, वहाँ पे आपको डिटेल में इसके बारे में पता, तो थोड़ा सा ऊपर से समझाने के लिए कि फीचर्स क्या है बैश के, वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक जो चीज़ें हैं आपको अच्छे से क्लियर आई होगी। तो इसी तरीके से हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, जैसे मैंने कहा कि इसको
कहाँ से? तो पहली शेल अगर हम देखेंगे उसको हम बॉर्न शेल बोलते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी, तो उसको किसने लिखा था वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो वो भी आप देख सकते हैं अच्छे से, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर इसमें नई नई चीज़ें ऐड होती गई और इसमें नई चीज़ें ऐड करते गए, तो जो ज़्यादातर यूटिलाइज शेल किया जाता है दैट इज़ बैश शेल, ठीक है। तो चलते हैं हमारे पास अब अगले पार्ट पे कि अगर अब हमें एक स्क्रिप्ट बनानी होगी, एक फाइल, अगर एक शेल स्क्रिप्ट हमें लिखनी होगी, बैश शेल स्क्रिप्ट बनानी होगी, तो है क्या है हमारे पास? तो जैसे मैंने कहा कि बैश स्क्रिप्ट जो है हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है, सिंपल, जिसमें हमने बहुत सारी कमांड्स को लिखा होता है। आप कह सकते हो कि बैश स्क्रिप्ट जो है हमारे पास इट्स नथिंग, जस्ट आप कह सकते हो इट्स ए कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन बैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नथिंग, या आप कह सकते हैं सेट ऑफ कमांड्स भी कह सकते हैं, तो आप ये भी एक सिंपल कह सकते हैं हमारे पास एक फाइल है कंटेनिंग सेट ऑफ ए फाइल कंटेनिंग सेट ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड बैश स्क्रिप्ट, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल है हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जो बैश स्क्रिप्ट जो है इट्स ए कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन बैश प्रोग्रामिंग। तो आप एक बैश स्क्रिप्ट कैसे बनाए, एक सिंपल स्क्रिप्ट कैसे लिखे, तो चलिए इस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जहाँ पे वो फाइल बनानी है तो वहाँ पे आप बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इस करंट डायरेक्टरी की बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ फाइल्स बनाई हैं, एक जैसे एक txt फाइल है, ये एक फोल्डर है, ये एक शेल स्क्रिप्ट है हमारे पास, एक सिंपल आप कह सकते हो बैश स्क्रिप्ट फाइल है यहाँ पे। तो ये चीज़ याद रखिएगा कहाँ पे। चलिए पहले हम जाएंगे cd, मैं चाहता हूँ मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊँ और वहीं पे एक फ़ाइल बनाऊँ। जैसे यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं, ये कुछ फोल्डर्स हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कोई लोकेशन चूज़ किए और वहीं पे एक फ़ाइल बनाइए। तो एक स्क्रिप्ट बनाने के लिए हमारे पास सिंपल जो कमांड है हम यूज़ करते हैं टच कमांड, ठीक है। तो टच कमांड से हम क्या कर सकते हैं, एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं, एक स्क्रिप्ट फाइल बना सकते हैं, उसके बाद फाइल का नाम रखें जैसे demo.sh। तो जो स्क्रिप्ट होती है शेल स्क्रिप्ट, उसका एक्सटेंशन होता है डॉट, और यहाँ पे एंटर करेंगे, और अब अगर आप ls की कमांड देंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एक स्क्रिप्ट बन गई हमारे पास, लेकिन अब ये खाली है, इसके अंदर हमने अभी कोई चीज़ ऐड नहीं की, ठीक है। तो अब अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर हम कुछ चीज़ें लिखें, तो सबसे पहले आपको फिर एडिटर को ओपन करना पड़ेगा, फिर उसी एडिटर में हम इस फाइल को ओपन करेंगे और वहाँ पे इसके अंदर हम कुछ कमांड्स लिख सकते हैं, ठीक है। या जैसे आप बोलोगे सर आपने कहा था कि आप डायरेक्टली भी कमांड दे, तो अभी तक जैसे ls कमांड, ये भी तो मैं डायरेक्टली कमांड दे रहा हूँ, तो ये भी एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, मेरा बैश, मेरा शेल ही एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। दूसरा होता है एक फ़ाइल में हमने कमांड्स लिखी जिसको हम शेल स्क्रिप्ट बोलते हैं या बैश स्क्रिप्ट बोलते हैं, जिसमें हमने कुछ कमांड्स लिखी होती है फिर जिनका एक स्पेसिफिक काम होता है। अब जैसे मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे बनाई demo.sh, ये खाली है, empty है, आई जस्ट क्रिएटेड बाई यूजिंग टच कमांड। तो आप जितने चाहे जैसे टच और कोई फाइल बना सकते हैं, लाइक लेट्स से students.sh। तो अगर लिस्ट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और एक जो स्क्रिप्ट है एक शेल बन गई हमारे पास, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं इस फाइल को हम कैसे ओपन करते हैं, फिर उसके अंदर हम कैसे स्क्रिप्ट इसके अंदर लिखते हैं और फिर उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे पहले देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप बाय डिफ़ॉल्ट बैश के अंदर एक एडिटर होता है नैनो, आप इसको यूज़ करें, और इसी फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा demo.sh एंड एंटर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें नीचे से आ गई चेंज, और ऊपर देख रहे हो कि मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, नैनो एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसके अंदर जैसे मैं कमांड लिखूँगा एको कमांड, आप डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। एको जो है ये एक बिल्ट इन कमांड है बैश में, जिसका काम है सिंपली कोई भी चीज़ जो विद इन डबल कोट्स के अंदर लिखोगे उसको ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है। सो दिस कमांड इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले द स्टैंडर्ड आउटपुट बाई पासिंग एनी आर्गूमेंट विद इन डबल कोट्स, यानी कि जैसे हम सी में प्रिंट एफ लिखते थे या सी प्लस प्लस में सी आउट,
या जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन या पाइथन में प्रिंट यूज़ करते हैं, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं और वो फिर सीधे डिस्प्ले हो जाती है। या सेम पीएचपी में एको कमांड है हमारे पास, एको जिसका काम है सिंपली कोई भी चीज़ जो विद इन डबल कोट्स के अंदर उसको सीधे स्टैंडर्ड आउट पर आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करना, यानी कि जो हमारा स्क्रीन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आप यहाँ पे एको के अंदर कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, वी कैन यूज सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा वेलकम स्टूडेंट्स, टर्मिनेट डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो फाइल, सपोज एक सिंगल कमांड मैंने लिखी इस फाइल के अंदर, अब इसको सेव करने के लिए कंट्रोल ओ प्रेस करिए, तो नीचे देख रहे फाइल नेम टू राइट डेमो डॉट एस एच एस, आप इसको एंटर करिए और उसके बाद कंट्रोल एक्स करिए, कंट्रोल एक्स करिए, और अब जैसे अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपने सबसे पहले लिखना है बैश और इस फाइल का नाम डेमो डॉट एस एच, और जो इसको एंटर करें तो आप देखिए जो हमने इस फाइल के अंदर जो कमांड लिखी थी एको कमांड, जो भी मैंने इस फाइल को एग्जीक्यूट किया, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया, तो वहाँ पे एक सिंपल मैसेज आ गई वेलकम स्टूडेंट, जो उसके अंदर मैंने सिंपल लिखा था। चलिए फिर से दिखाता हूँ, सपोज और एक फाइल मैंने बनाई थी स्टूडेंट डॉट एस एच, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स डॉट एस एच, तो ये देखिए खाली है, इसके अंदर हमने कोई आउटपुट कुछ भी कमांड नहीं लिखा है। तो अब इसके अंदर सेम इसी तरीके से अगर एक सिंपल मैसेज स्क्रिप्ट के थ्रू एग्जीक्यूट कराना होगा, तो सबसे पहले इसको हम ओपन करेंगे, तो नैनो एस टी यू डी एन टी एस डॉट एस एच, अब ये फाइल ओपन हो गई। अब जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा एको, चलिए लेट्स ट्राई हेलो हेलो स्टूडेंट्स, अब इसको सेव करेंगे तो कंट्रोल ओ और यहाँ पे एंटर करेंगे कंट्रोल एक्स, बाहर निकलेंगे और चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया हमारे पास हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप यहाँ पे आपने देखा कि कैसे ये जो ये फाइल बन गई हमारी स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट्स डॉट एस एच और डेमो डॉट एस एच, आप कह सकते हो यही एक शेल स्क्रिप्ट है हमारे पास। कौन सी स्क्रिप्ट? बैश स्क्रिप्ट, क्योंकि हम कौन सा शेल यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग बैश। ठीक है, तो समझ आ रही है बात, तो आप कोई भी शेल यूज़ कर सकते हैं। तो एक सिंपल कमांड यूज़ की यहाँ पे हमने एको, तो एको इज़ लाइक प्रिंट एफ, इट्स लाइक सी आउट, इट्स लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इट्स लाइक प्रिंट। सो इसका काम है सिंपली कोई भी चीज़ जो आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर जो है उसको डिस्प्ले करना। आई होप ये वाली चीज़ पहले आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, क्लियर। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं, अब जैसे एक सिंपल मैसेज तो हमने लिख दी, एक सिंपल मैसेज से तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती हमारे पास। अगर हम एक सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें पहले यूज़र से इनपुट लेना है। तो रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स होती है एक्चुअली वो इनपुट बेस्ड होती है, यानी कि जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं फिर अकॉर्डिंगली प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद अकॉर्डिंगली उसको हम आउटपुट देते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन करूँगा समझाने के लिए, जैसे मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, तो ये एक एप्लीकेशन में यूज़ कर रहा हूँ, इसके पीछे कुछ ना कुछ कोडिंग यूज़ हुई होगी, तो आइडिया देने के लिए मैं यह समझा रहा हूँ। अगर मैंने सपोज टू, तो फिर प्लस दे रहा हूँ, टू दे रहा हूँ, फिर से फिर यहाँ से आउटपुट आ रहा है फोर, लेकिन ये एक्चुअली वर्क किया किसने? सो दैट मीन्स इसने पहले मुझसे इनपुट लिया, फिर और एक इनपुट लिया, फिर और एक इनपुट लिया। सो बट बिहाइंड द सीन क्या हुआ, ये कहीं पर पहले स्टोर हो रहे हैं, फिर अकॉर्डिंग इनको प्रोसेस करके तभी ये मुझे आउटपुट दे रहा है फोर। अगर ये इनको कहीं पे स्टोर नहीं करता तो ये हमें आउटपुट नहीं देता। ठीक है, जैसे फिर से मैं फाइव एक इनपुट दे रहा हूँ, सो दैट मीन्स बिहाइंड द सीन एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है जिसमें ये फाइव पहले पकड़ रहा है हमसे, फिर कहीं पे इसको स्टोर हो रहा है, फिर दूसरा, फिर इसी तरीके से फाइनली ये चीज़ आ गई है। सो दैट मीन्स हो क्या रहा है, इनपुट लिया जा रहा है हमसे, फिर इसको कहीं पे स्टोर किया जा रहा है, फिर से इनपुट लिया हमने जैसे, फिर से इसको कहीं पे स्टोर किया, और फाइनली प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिल गया, एक आउटपुट मिल गया। तो अगर ये कहीं पे स्टोर नहीं होता
प्रोसेस नहीं किया जाता है तो आउटपुट भी हमें ये चीज़ नहीं मिलती। बट हमने तो सर सिंपल अभी एक चीज़ देखी, एको, इसने तो हमसे कोई इनपुट तो लिया नहीं। तो अगर आपको इनपुट लेना है यूज़र से ताकि उसकी प्रॉब्लम को हम पहले ले लें फिर उसको प्रोसेस करके उसको आउटपुट दे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। तो हर एक लैंग्वेज में आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो वेरिएबल्स कुछ नहीं होते हैं, आप कह सकते हैं एक लोकेशन होती है मेमोरी में जहाँ पे हमारी चीज़ें स्टोर रहती है और उस वेरिएबल का एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है। या आप कह सकते हो वेरिएबल आर जस्ट लाइक ए कंटेनर दैट होल्ड्स आवर वैल्यू, जो हमारा वैल्यू होल्ड करता है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन रहती है और फॉर टेम्परेरी बेस्ड। उसके बाद उसी वेरिएबल्स के अंदर के डेटा को हम लेते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं और फाइनली हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारे पास वेरिएबल्स का। ठीक है, तो वेरिएबल्स अगर नहीं होते तो आप इनपुट नहीं देते, प्रोसेस नहीं किया जाता, आउटपुट नहीं लिया जाता। जैसे आपने अभी प्रोग्राम लिखा, सिंपल मैसेज, एक स्क्रिप्ट बनाई, हेलो स्टूडेंट, व्हाट इफ आपको दो नंबर्स को ऐड करना है। आपको कहा एक स्क्रिप्ट बनाइए जिसमें दो नंबर्स को ऐड हो, तो दैट मीन्स आपको पहले यहाँ से इनपुट देना है, उसको पहले कहीं पर स्टोर करना है, फिर फाइनली उसको प्रोसेस होगा, फिर आपको आउटपुट मिल जाए। लेकिन वो कैसे करे? सो देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, हमें वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ करना है। तो वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं? जैसे कि आपको पता है कि हर एक लैंग्वेज जो है, हर एक लैंग्वेज का एक सिंटेक्स होता है, ग्रामर रूल होता है जो हमें फॉलो करना ही करना पड़ता है। तो बैश या जो शेल स्क्रिप्टिंग है, इसमें वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, सिंटेक्स क्या है, तो कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? तो पहले होता है डिक्लेरेशन पार्ट। क्योंकि अगर हम कोई कंपाइल्ड लैंग्वेज की बात करते हैं, वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है डेटा टाइप। क्या लिखना होता है? डेटा टाइप, शब्द। उसके बाद हम स्पेस देते हैं, स्पेस देने के बाद वेरिएबल का नाम देते हैं जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। ठीक है, वेरिएबल का नाम देना होता है। ठीक है, बट एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है वहाँ पे, जैसे इंट, फ्लोट, डबल, ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन लेनी है यूज़र से, तो उस हिसाब से आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जब आप उससे इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे तो आप प्रोसेस नहीं कर सकते, आप प्रोसेस नहीं करेंगे तो आप उसको आउटपुट नहीं दे सकते। जैसे अभी कैलकुलेटर मैंने ओपन किया, तो बिहाइंड द सीन अगर मैं यहाँ पे 5 दे रहा हूँ, दैट मीन्स पीछे से कंटेनर है जिसमें ये चीज़ स्टोर हो रही है, और वो कंटेनर वैसा ही बन रहा है जैसे इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन यहाँ से दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम कंटेनर नहीं बनाते तो ये 5 कहीं पर स्टोर, जैसे फिर मैं दूसरी चीज़ दे रहा हूँ प्लस, तो ये भी कहीं पर स्टोर हो रहा है, फिर प्लस 2, और फाइनली हमें आउटपुट आ रहा है 7। लेकिन जब इसके पास पुराना वैल्यू अवेलेबल था और साथ साथ ऑपरेटर भी कहीं पे स्टोर हो रहा था, तब इसने प्रोसेस करके हमें अकॉर्डिंगली एक आउटपुट, तो यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है वेरिएबल। लेकिन वेरिएबल कैसा बनाना है, यानी कि कंटेनर कैसा बनाना है, वहाँ पे होता है डेटा टाइप। सो बट बैश वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे पास, यहाँ पे आपको डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट स्पेसिफाइंग डेटा टाइप, सिंटेक्स, वैसी चीज़ें या टर्मिनेट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल रूल्स है जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सभी में सेम रूल्स है, कि जब भी आपको एक वेरिएबल बनाना है तो उसके साथ आपने यूज़ करना है डॉलर यूज़ करना है। अगर उसमें डेटा पहले सिंपल वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, फिर इज इक्वल, सीधे उसके अंदर आप वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल तरीका है, कोई भी नाम रखिए, बट रिमेंबर दैट वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, नाम के बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। हाँ, स्पेस डालनी है तो आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, पहला कैरेक्टर कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, तो इट शुड बी अ कैरेक्टर, आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। बट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब जब आपको वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल दिया, आप अगर उसके अंदर के वैल्यू को आपको यूज़ करना है, प्रिंट करना है या रीड करना है, तो उस टाइम आपको इसके साथ यूज़ करना पड़ेगा डॉलर सिंबल। ठीक है, जब वैल्यू सेट कर रहे होते हैं वेरिएबल में, उस टाइम पे आपको डॉलर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, सपोज़ नेम, इसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूँ सपोज़ रेसिमो, तो डालने के टाइम मुझे डॉलर यूज़ करना नहीं है।
बट जैसे अब अगर इसको मुझे डिस्प्ले करना है तो आई हैव टू यूज़ डॉलर के साथ, इस तरीके से फिर आपको डॉलर यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि रीडिंग और मैनिपुलेशन के टाइम पे आपको डॉलर यूज़, बट सेटिंग वैल्यू के टाइम पे आपको डॉलर यूज़ करना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखिए। और साथ साथ जो यहाँ पे भी केस सेंसिटिव है, अगर आप कोई वेरिएबल, जैसे मैंने NAME लिखा कैपिटल दूसरा, तो ये दूसरा वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी हमारे पास, तो बाकी ऑलमोस्ट जो बाकी लैंग्वेज में सिंटैक्स है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, तो वो सेम है। बस एक ही चीज़ ख्याल रखने दिमाग में कि जब आपको वैल्यू सेट करना है उस टाइम पे आपको वेरिएबल के साथ डॉलर यूज़ नहीं करना है, जब डिस्प्ले या उसके साथ मैनिपुलेशन करनी है तो उस टाइम उसके साथ आपको डॉलर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको प्रैक्टिकली देखने की, चलिए देखते हैं ये वर्क करेगा कि नहीं, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप देखोगे जो बैश है या जो शेल स्क्रिप्ट है, इसमें भी आपको मेन दो टाइप्स के वेरिएबल्स मिलेंगे, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स, यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं। सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स यानी कि जो वही से डिफाइन है, जैसे अगर मैं वेरिएबल बैश यूज़ करूँगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा शेल का नाम, या बैश अंडरस्कोर वर्जन तो ये दिखाएगा कि हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं शेल का। इसी तरीके से या कॉलम्स, जो प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं हमारे पास, वो आपको हमेशा अपर केस में मिलेंगे, जैसे होम, जैसे लॉग नेम, जैसे कॉलम्स, इसी तरीके से बैश, ये सारे यूज़र डिफाइंड वेरिएबल जिनका एक स्पेसिफिक काम है। या जैसे अभी PWD मैंने लिखा, स्मॉल में भी लिख सकते हो और कैपिटल में भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे PWD या शॉर्ट में मैंने लिखा था प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है हमारे पास, ठीक है। या इसी तरीके से PWD कमांड भी आप यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, आप कह सकते हो कि ये हमारे पास यूज़र डिफाइंड है, या इसी तरीके से यूज़र नेम है, ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो हमारे पास वही से अवेलेबल। दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड, यानी कि जो हम अपने वेरिएबल्स बनाते हैं। तो अपने वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अभी वेरिएबल बनाया नेम, तो ये एक यूज़र डिफाइंड वेरिएबल कहलाएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, उसमें कैसे वैल्यू असाइन करेंगे और उसको कैसे डिस्प्ले करते हैं। और चलिए यहाँ पे और एक चीज़ करते हैं काम, जो अभी हमने सिस्टम यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स देखते हैं, इनको भी ट्राई करते हैं यूज़ करने की और देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो जाते हैं हमने अपने शेल में, तो वापस जाता हूँ मैं अपने इस फाइल को ओपन करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे काम, लेट्स रिमूव दिस पार्ट। तो मैं एको करूँगा डॉलर HOME होम, सिंपल यहाँ पे मैंने यूज़ किया। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा, डॉलर होम, इसी तरीके से एको डॉलर बैश, एको डॉलर PWD। मैंने शॉर्ट कट कमांड यूज किया, चलिए बच्चे लॉग, तो कंट्रोल ओ सेव करते हैं और एंटर कंट्रोल एक्स। तो चलिए इसको रन करते हैं एंड लेट्स सी। तो आप देखिए वो सारी इंफॉर्मेशन आ गई, लॉग नेम क्या है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, इसी तरीके से होम डायरेक्टरी कौन सी है, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल आ गई। बट मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, सिंपली मैंने जो वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ किए, इनको हम सिस्टम यूज़र डिफाइंड वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स बोलते हैं, यानी कि जो वही से हमारे पास अवेलेबल। तो ये भी बहुत जगह यूटिलाइज़ किए जाते हैं, कभी कभी चेक करना है कि यूज़र नेम क्या है इसका, कौन या वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, या बैश का, तो वो सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम इन सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे पास, अब अगर हम इसमें क्या करेंगे काम, अपना वेरिएबल कैसे बनाएंगे, कैसे उसको डिक्लेयर करेंगे और कैसे उसके अंदर हम वैल्यू असाइन करेंगे।
तो चलिए एक वेरिएबल बनाएंगे नेम और इसके अंदर डालेंगे सपोज रेसिमो, सिंपल एक वैल्यू यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर, देखते हैं ये वर्क करेगा या नहीं। चलिए एको और यहाँ पे लिखेंगे द नेम इज, और यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉलर एन ए एम ई नेम। चलिए कंट्रोल ओ कंट्रोल और एंटर और एक्स, लेट्स फाइंड आउट आउटपुट। तो आप देखिए दिखा रहा है द नेम इज रेसिमो, ठीक है। तो सिंपल, तो ये था हमारे पास कैसे एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, पहले वेरिएबल का नाम और जो भी वैल्यू असाइन करना है। बट अगर आप देखोगे जो वेरिएबल के अंदर का जो वैल्यू हमें जब यूज़ करना था तो उसके साथ मैंने डॉलर यूज़ किया। चलिए कोशिश करते हैं इस डॉलर को हटाते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो कंट्रोल ओ सेव एक्स एंड लेट्स एग्जीक्यूट। तो आप देखिए द नेम इज़ नेम आ रहा है, तो ये इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं कर रहा है, एक कंटेनर इसको ट्रीट नहीं कर रहा है, तो इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि एक वेरिएबल है, इसके अंदर एक वैल्यू है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है काम, जब भी आपको वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो इसके अंदर आपको इस तरीके से वैल्यू असाइन करना है, ठीक है। और आप जितने चाहे वेरिएबल्स बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फॉर इंस्टेंस, चलिए फॉर इंस्टेंस एज डालते हैं 21, ठीक है। और यहाँ पे द नेम इज, यहाँ पे करेंगे डॉलर, और यहाँ पे एंड एजेस, तो कंफ्यूज होने ना होने के लिए यहाँ पे मैं कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे डॉलर एज और कंट्रोल ओ और एंटर एक्स करते हैं, लेट्स रन। तो आप देखिए आउटपुट आ रहा है द नेम इज रेसिमो एंड एज इज 21। तो इन शॉर्ट इस तरीके से आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, इस तरीके से उनके अंदर वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं, और फिर इस तरीके से आप उसको डिस्प्ले। तो रिमेंबर दैट जब भी आपको वेरिएबल के अंदर को वैल्यू डिस्प्ले करना होगा तो उसके साथ आपको डॉलर यूज़ करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर अब अगर हमें इसको यूज़र से लेना होगा तो यूज़र से कैसे लेंगे, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन अगर हमें रन टाइम पर पकड़नी होगी तो रन टाइम पर कैसे वैल्यू को रीड कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो कैसे वो वैल्यू पकड़ते हैं, तो इसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ कर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने देखा कैसे वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू सेट करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि हमारे पास दो टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, लाइक सिस्टम और दूसरा होता है यूज़र डिफाइन। अब इसी तरीके से हमने फिर अपना वेरिएबल भी बनाया, उसमें वैल्यूज़ असाइन किए, उस तरीके से वो चीज़ भी वर्क। जैसे हमने यूज़ किया, तो इस तरीके से हमने एक सिंपल वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू असाइन किया, और फिर इस तरीके से हमने इसको डिस्प्ले किया, ठीक है। तो अब है कि अगर आपको, जैसे हमने कहा कि हमारे पास सिस्टम वेरिएबल्स भी बहुत सारे हैं, जैसे लॉग है, यूज़र नेम है, बैश वर्जन है, ये सारी चीज़ें। अगर आपको सपोज़ चेक करना है कि आपके पास ये सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स कितने हैं, तो आपके पास कुछ कमांड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेट कमांड आप डायरेक्ट एडिटर अगर करेंगे तो आप देखिए ये सारी चीज़ें वहीं से आपको दिखाएगा, ठीक है, कि जिसमें आपको दिखाएगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। तो ये एक कमांड भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको दिखाएगा कि कौन कौन से वेरिएबल्स है जो आपके पास प्री डिफाइन है, जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स है या जो आपके शेल में वहीं से प्री डिफाइन चीज़ें हैं, जो कौन कौन से आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो नो मोर लाइक से मेटा डेटा, इसी तरीके से और एक कमांड है, या आप env यूज़ कर सकते हैं, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि प्री डिफाइंड चीज़ें कौन कौन सी, या इसी तरीके से प्रिंट env कमांड है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपके पास सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स है वो कौन कौन से हैं, तो आप इस तरीके से उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब जो हमारे पास पार्ट है, मैंने कहा कि
चलिए आप देखते हैं कि अब अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना होगा कि यूज़र से रन टाइम पे डेटा पकड़ना होगा और वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना होगा तो कैसे करेंगे। तो शेल स्क्रिप्ट में हमारे पास एक सिंपल चीज़ है जिसको हम सिंपली कहते हैं रीड कमांड है हमारे पास, जिसके ज़रिए हम यूज़र से इनपुट लेते हैं रन टाइम पे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो रीड है हमारे पास ये एक बिल्ट इन बैश कमांड है जिससे हम क्या करते हैं इनपुट लेते हैं यूज़र से, फिर इसका काम क्या होता है वो इनपुट लेना और वो वेरिएबल को असाइन करना। इस तरीके से जो रीड है हमारे पास एक सिंगल लाइन जो है शेल से लेता है और उसके अंदर वो स्टोर करता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो कैसे रीड को यूज़ करते हैं, कैसे इसको यूटिलाइज़ करते हैं, तो चलिए इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे। ओ गलत हो गया, एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे, लेट्स से टच फाइल का नाम रखेंगे सपोज details.sh। तो अगर हम देखेंगे फाइल बन गई, तो आप देख सकते हो details.sh बन गई, एक शेल स्क्रिप्ट बन गई। इसके अंदर अब चलिए हम कुछ कमांड्स लिखते हैं जिसका काम एक ही होगा यूज़र से इनपुट लेना, जैसे सपोज ऐड करना है या यूज़र से डिटेल्स लेनी है। तो कैसे लेंगे ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम नैनो एडिटर यूज़ करेंगे, प्री डिफाइंड जो है उसी के अंदर details.sh को ओपन करते हैं और चलिए यहाँ पे इस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम echo enter suppose your name। अब एक वेरिएबल बनाएंगे और वेरिएबल के अंदर डेटा पकड़ने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं रीड, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम। तो जैसे मैंने कहा जब डेटा वैल्यू सेट करना होगा उस टाइम डॉलर यूज़ नहीं करना है, तो मैं जो नाम दे रहा हूँ रीड उसको उठा के असाइन किस में करेगा नेम वेरिएबल में। इसी तरीके से चले एंटर योर एज, तो इस तरीके से रीड एक वेरिएबल बनाएंगे। अब बाद में इसी चीज़ को हमें डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले के लिए क्या यूज़ करेंगे एको यूज़र नेम इज़, तो डिस्प्ले के टाइम पे क्या करना है डॉलर एंड यूअर एज इज डॉलर एज। आप इसको कंट्रोल ओ सेव करते हैं, एंटर करते हैं और कंट्रोल एक्स। चलिए इस फाइल को अब रन करते हैं, तो रन करने के लिए सबसे पहले बैश लिखना है और फाइल का नाम details.sh एंड एंटर। अब चलिए ये हमसे नाम मांग रहा है, अच्छे रेसिमो एज 20, तो यूज़र नेम इज़ रेसिमो एंड योर एज। तो इस तरीके से हमने देखा बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था हमारे पास, कैसे हमने यूज़र से इनपुट लिया। तो रीड इट्स लाइक ए स्कैनर जो हम सी में यूज़ करते थे, जिसका काम है यूज़र से इनपुट लेना चाहे जैसा भी डेटा हो। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे हम सी में मेंशन करते थे पहले वो चीज़ मेंशन करना है अकॉर्डिंगली उस हिसाब से फिर उसमें डेटा स्टोर, बट यहाँ पे वो चीज़ आपने मेंशन नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सिंपल हमने देखा कैसे वेरिएबल हमने बनाया, रीड की मदद से उसके अंदर वैल्यू असाइन हो गया, फिर इसी तरीके से एज पकड़ी और इस तरीके से इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गया। तो सिंपल यहाँ पे आपको और एक कॉन्सेप्ट हो गया कि जब भी हमें यूज़र से इनपुट लेना होगा तो कैसे लेते हैं, तो यू हैव टू यूज़ रीड कमांड जो हमारे पास अवेलेबल होती है प्रेजेंट है, तो फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम जिसमें आपको असाइन करना है। तो इस तरीके से आप एक सिंपल छोटा मोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे जो मैंने कोशिश की आपको समझाने की कैसे हम यूज़र से इनपुट ले सकते और उसके अंदर हमने फिर डेटा स्टोर किया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब सर व्हाट इफ़ अब अगर हमें किसी एक्सप्रेशन के साथ डील करना होगा, लाइक एक्सप्रेशन सपोज अर्थमेटिक ऑपरेशन करनी है लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जैसी चीज़ें, तो वहाँ पे एक एक्सप्रेशन को हमें इवैल्यूएट करना है, तो उस एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो क्या इशू आ सकता है, तो कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती है स्टूडेंट्स की, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे।
तो चलिए अगर हम देखेंगे हमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन करनी है तो कैसे कर सकते हैं, जब प्लस करना है तो उसका सिंटेक्स क्या है, मल्टीप्लाई करना है कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है, तो आसान सा तरीका दिखाएंगे, जो सबसे ज़्यादा ईजिली यूज़ किया जाता है वो तरीका दिखाएंगे, वरना एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम जो यहाँ पे एग्जांपल दिखाएंगे इससे आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो पहली चीज़ याद रखनी है, जब भी आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन करनी है बैश में, तो जब एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट किया जा रहा होगा तो आपको उसको डबल पैरेंथेसिस के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं एग्जांपल बनाऊंगा, सपोज़ मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ नम, उसमें डाल रहा हूँ 10, नम टू उसमें डाल रहा हूँ सपोज़ 20, और एक वेरिएबल है सपोज़ रिज़ल्ट, उसमें डालना है नम 1 प्लस नम 2। तो बाकी लैंग्वेज में तो यही सिंटेक्स है, इट्स अ नॉर्मल तरीका है जो हम बाकी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, सिंपल दो ऑपरेंड्स को ऐड करते हैं और बीच में ऑपरेटर डालते हैं। लेकिन जो बैश ऑपरेशन है, तो याद रखिएगा जब भी आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन करनी है, जो एक्सप्रेशन जो आप इवैल्यूएट कर रहे हैं तो इसके बीच में आपने डबल पैरेंथेसिस यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है, डबल पैरेंथेसिस, और उसके बाद बाहर जो है बाहर आपने डॉलर यूज़ करना है। तो ये तरीका है, तो जो एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे लिखिएगा, एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखना है डबल पैरेंथेसिस के अंदर ज़रूरी, अगर आप इसको नहीं रखेंगे तो ये एरर ला सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे तरीके भी है, ये एक सिंपल मेथड वन है। दूसरा मेथड टू अगर यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये मैंने एक मेथड वन दिखाया जो सबसे फेमस है, जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। दूसरा तरीका है, फॉर इंस्टेंस इसी चीज़ को अगर मुझे करना है जो मैंने आउटपुट अभी दिखाया, तो रिज़ल्ट इज इक्वल टू सिंपली आप क्या करेंगे काम, जैसे नम 1 प्लस नम 2 है, तो आप इस पूरे को डबल पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे इस तरीके से, तो तब भी ये काम चल जाएगा, ठीक है। तो फिर इस तरीके से आप उसको यूज़, दिस इज़ मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3 जो है वो भी सेम इसी तरीके से है, मतलब जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाई तो यही यूज़ कर सकते हैं, और जैसे ये ज़्यादातर यूटिलाइज़ किया जाता है, तो कोशिश करिए ये मेथड 1 और मेथड 2 को आप इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली वैल्यूज़ को भी ऐड कर सकते हैं, बट क्योंकि एक्चुअल वर्ल्ड में एक्चुअली हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेफरेबल वे है ये तरीका, तो याद रखिएगा इस चीज़ को यूज़ करिएगा, ठीक है। और साथ साथ जिसमें आप असाइन वैल्यू कर रहे हैं तो उसके बीच में ऐसे स्पेस नहीं डालिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, तो मे बी आपके पास एरर आ सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉमन इशू होता है कि उन्होंने यहाँ पे इज इक्वल जैसे आदत से मजबूर होते हैं बाकी लैंग्वेज में, तो यहाँ पे उसका इशू आ सकता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि कैसे हमें ऐड करना है, या सब्ट्रैक्ट या मल्टीपल या डिवीजन अगर करना होगा तो कैसे हम बैश की मदद से हम कर सकते हैं, या डिवीजन जो है वो कैसे। तो यहाँ पे भी सेम बाकी लैंग्वेजेस की तरह वही ऑपरेटर्स है जो हम यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस करना होगा, माइनस करना होगा, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन है, जैसे 2 है हमारे पास, ये मॉडुलस ऑपरेटर, अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कोएफिशिएंट चाहिए तो आप ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट। जैसे यही फाइल सेम लेते हैं, या एक काम करते हैं इसको एग्जिट करते हैं, इसको नई एक फाइल बनाते हैं, लेट्स से टच कमांड, चलिए इस फाइल को नाम रखेंगे @.sh, तो ये ls फाइल बन गई। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम, नैनो @.sh, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे काम, echo कमांड सेम ऐसे लिखेंगे, लेट्स से एंटर नंबर 1, तो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। अब वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल में डालना है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, रीड लेट्स से नम 1, echo एंटर नंबर 2। अब इन दो को ऐड करना है, जैसे एक वेरिएबल बनाएंगे हम, लेट्स से सम या रिजल्ट जो भी चाहे आप बना सकते हैं। अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे डाल दी स्पेस, अब क्या लिखना है, डॉलर डबल पैरेंथेसिस, और यहाँ पे लिखना है नम 1
प्लस नम टू, और फिर यहाँ पे करेंगे एको विद द सम ऑफ टू नंबर्स इज डॉलर रिजल्ट। चलिए सेव करते हैं इसको, कंट्रोल एक्स करते हैं। चलिए इस फाइल को हम रन करते हैं, तो क्या लिखेंगे, बैश, एंटर नंबर 12 3। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एड डॉट एस एच लाइन नंबर 5 कमांड नॉट द सम ऑफ नंबर इज दिस। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमसे क्या गड़बड़ी हो गई है। तो चलिए, तो जैसे मैंने कहा कि इसमें इशू हो सकता है, इस तरीके से पूरा चेक करिएगा कि जब भी आप वैल्यू डाल रहे हैं तो पूरी तरीके से चेक करिए। तो मैं वापस बैश फाइल ओपन करूँगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे काम, तो इसको बराबर इसके साथ ले जाते हैं और चलिए देखते हैं कि ये वर्क करेगा भी हमसे या नहीं। लेट्स फाइंड आउट, कंट्रोल ओ एक्स, फिर से रन करते हैं, तो आप देखिए परफेक्टली, तो एक स्पेस की वजह से ये एरर आ रहा था हमारे पास। अब अगर फिर से रन करेंगे, चलिए, तो आप देखिए इधर सम ऑफ टू नंबर्स इज 600। तो इस तरीके से हमने देखा कैसे सिंपल हम ऐड कर सकते हैं। तो सेम अब अगर आपको सबट्रैक्ट करना है तो प्लस की जगह आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस यूज़ कर सकते हैं, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं द सम ऑफ डॉलर नम वन एंड डॉलर नम टू इज कंट्रोल ओ एंटर एक्स एंड लेट्स रन। तो आप देख सकते हैं द सम ऑफ 22 एंड 33 इज 55। तो इस तरीके से हम एक सिंपल शेल स्क्रिप्ट फाइल बनाई, हमने उसके अंदर हमने कुछ कमांड्स लिखे और इस तरीके से हमने कुछ नंबर्स को अब ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, सेम प्रोसीजर वही है, प्लस की जगह माइनस डालिए या एस्ट्रिक सिंबल डाल दीजिए या डिवीजन मॉडुलस ऑपरेटर, तो जो चाहे आप वो कर सकते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे इस तरीके से हमने देखा कैसे हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और उनके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब ये हमने देखा इस लेक्चर में कि कैसे हमने यहाँ पे सिंपल स्क्रिप्ट फाइल बनाई, कैसे यूज़र से इनपुट लिया, कैसे उसके साथ पर्टिकुलर चीज़ें की हमने, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल या डिवीजन जैसी चीज़ें हमने यहाँ तक सारी देखी। क्लियर, अब जैसे यहाँ पे जो हम यहाँ पे लास्ट पार्ट देखेंगे, यहाँ पे जैसे हमारे पास अब अगर डिसीजन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, तो एक्चुअल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम होती है वो कंडीशन बेस्ड होती है, यानी कि जहाँ पे पहले एक कंडीशन चेक की जाती है और उसके बाद एक डिसीजन लिया जाता है। तो जैसे हमारे पास सी में इफ एल्स जैसी चीज़ है, तो यहाँ पे भी आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, तो यहाँ पे भी इफ एल्स सेम वैसा ही है, बट थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पे इफ होता है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देन कीवर्ड यूज़ करते हैं, और अगर कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पे तो ये वाला पार्ट चल जाएगा, और यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे होती है हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, और इफ को क्लोज किया जाता है एफ आई। सो इस तरीके से जो आपका जो कॉन्सेप्ट है ये इफ एल्स का भी है, यानी कि अब अगर आपको डिसीजन मेकिंग कर लिया, यानी कि यू हैव टू टेक अ डिसीजन ऑन द बेस ऑफ कंडीशन, तो सिंपली सबसे पहले आपने लिखना पड़ेगा इफ और यहाँ पे कंडीशन। कंडीशन मीन्स जो आपने चेक करना होगा, फॉर इंस्टेंस आपसे कहा गया कि यूज़र से एक एज लीजिए, चेक करिए कि अगर वो एज अब वो 18 है तो आप उसको वेलकम करेंगे, अगर नहीं आए तो आप उसको बोलेंगे सॉरी। सो दैट मीन्स यहाँ पे एक तो यूज़र से इनपुट लेना है, फिर प्रोसेस करके चेक करना है, एक कंडीशन को चेक करनी है, कंडीशन यहाँ पे कि अगर एज ग्रेटर दैन है 18 तो वेलकम करना, अगर नहीं है तो आप उसको सॉरी बोल देंगे। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं कैसे इस चीज़ को हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली कुछ जो हमारे पास स्क्रिप्ट है, तो अब कंपैरिजन की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कंपैरिजन जैसी चीज़ें कैसे करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स या किस तरीके से यूज़ करते हैं, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे अलग अलग कीवर्ड्स है तो उनको कंडीशनल्स जो है कैसे उनको यूज़ करते हैं, जैसे हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं ग्रेटर
वही यहाँ पे जैसे आप लिखोगे इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, जी टी जैसे लेस देन, एल टी तो इसी तरीके से, इक्वल, ई क्यू, तो इस तरीके से वहाँ पे कंपैरिजंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो समय और साथ साथ आप इनके साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंड और या नॉट है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करना होगा तो वो भी हम कर सकते हैं। चलिए पहले एक सिंपल एग्जांपल को देखते हैं कि अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना होगा फिर चेक करना होगा कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से क्या वो सही है कि नहीं, अगर है तो उसको हम मैसेज डिस्प्ले कराएंगे। तो देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली इस पार्ट को। तो चलिए मैं यही वाली फाइल ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नंबर चलिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, एंटर सपोज एज। अब यहाँ पे हमारे पास जो है कंडीशन होगी कि अगर, चलिए इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखेंगे इफ स्क्वायर ब्रैकेट्स डॉलर एज, अगर हमारे पास है, अगर हमें इसको कहने की चेक करें कि ये ग्रेटर देन है, इफ इट इज़ ग्रेटर देन सपोज 18, अगर ये ग्रेटर देन 18 है तो क्या करना है, काम से देन एको करेंगे वेलकम यू आर एलिजिबल, यू आर गुड टू गो फॉर इंस्टेंस। और यहाँ पे इस तरीके से आप इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको पहले सेव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो जी टी स्टैंड फॉर ग्रेटर, अगर एल टी तो दैट इज़ लाइक लेस देन। तो कंट्रोल एक्स, तो कमांड में कहीं पे गड़बड़ी हो गई, चलिए चेक करते हैं, देखते हैं इशू क्या है। तो मे बी स्पेस का इशू हो गया, देखिए आप थोड़ा सा स्पेसेस डालिएगा वरना आपको एरर आ सकता है, जैसे अभी आया। तो इनके बीच में स्पेसेस ज़रूर डालिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। तो फिर से रन करते हैं, जैसे एंटर नंबर लाइक एज, अगर मैंने 1 दिया तो कुछ नहीं आ रहा है, तो अगर मैंने 33 दिया तो आई एम ग्रेटर देन, तो मैं ले रहा हूँ। तो आप इसके साथ भी क्या कर सकते हैं, अगर आपको सपोज़ मतलब अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो आप उसके साथ क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जैसे हम बाकी लैंग्वेज में इफ एल्स यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बस थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट है, यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे हम सिंपली यूज़ क्या कर रहे हैं, इफ़ देन। जैसे इसको ओपन करते हैं फाइल को, तो लाइक ए सेट, अब अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो उस टाइम क्या, यहाँ पे तो हम खाली इफ़ वाला पार्ट मेंशन कर रहे हैं, बट लाइक ए सेड आप इसके साथ दूसरी कंडीशन को भी चेक करवा सकते हैं। तो आप एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर ये है तो गो देन एको, यहाँ पे एंटर से एल्स के अंदर जैसे एको, सॉरी, ठीक है, और फिर एन पे क्लोज होगा। तो कंट्रोल ओ एस, चलिए इसको रन करते हैं। सो 1 फिर सॉरी आ गया, ठीक है। तो अगर हम इसमें भी सॉरी, और अगर हम अब वो 18 देंगे तो इस तरीके से वेलकम यू आर। तो ये बहुत ही आसान है, अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो सेम वहाँ पे, बस थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट है। इफ़ अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आप एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से नेस्टेड इफ भी आप यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सप्रेशंस को आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होगी तो जैसे यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं तो ये एल्स वाला पार्ट चला, अब अगर आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है तो यहाँ पे आप एल इफ़ यूज़
कर सकते हैं। अगर आपने पाइथन पढ़ा है तो उसमें एलिफ का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे भी आप एलिफ यूज़ कर सकते हैं। अगर मल्टीपल कंडीशन जैसे एक से तीन नंबर्स ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री, तो एल्स की जगह यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे एलिफ, फिर यहाँ पे भी आप दे सकते हो सपोज डॉलर एज अगर लेस देन सपोज ग्रेटर देन 10 है तो उसको हम करेंगे सॉरी, तो यहाँ पे भी हम उसका फिर क्या बना सकते हैं देन, और यहाँ पे लिखेंगे एल्स और इसको लिखेंगे देन, और यहाँ पे आपको थैंक्स ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये क्या करेगा हमारे पास, ठीक है। अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो ये वाला पार्ट, अगर एज ग्रेटर देन 10 है तो ये पार्ट, अगर नहीं तो एल्स वाला पार्ट। सो मल्टीपल जैसे एल्स इफ होता है, यहाँ पे एलिफ होता है हमारे पास, ये बिल्कुल सेम जैसे हमारे पास पाइथन में। तो चलिए इसको पहले सेव करते हैं, कंट्रोल एक्स, नाउ लेट्स रन। अगर मैंने 10 दिया तो आप देखिए ये गया कहाँ पे, तो कुछ गड़बड़ी हो गई यहाँ पे, तो इसमें कुछ इशू हो गया। तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ तो मसला हो गया यहाँ पे, काम करते हैं इसको, परमिशन को चेंज करते हैं यहाँ पे, पहले से देन और एग्जांपल कोई यहाँ पे ऐड करते हैं, चलिए यहाँ पे जैसे मैंने कंडीशन ऐड कर दी, इफ डॉलर एज इज इक्वल टू 10 तो मल्टीपल करने, अगर एज ग्रेटर देन 18 होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर इक्वल होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ना इक्वल है ना ग्रेटर 18 तो फिर सॉरी। तो चलिए पहले सेव करते हैं और यहाँ पे एक्स करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अगर मैंने दिया सपोज 12 तो सॉरी आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे दिया सपोज 10 इक्वल कंडीशन तो थैंक्स वाला पार्ट चला, एलिफ वाला पार्ट चल गया। और अगर मैंने यहाँ पे दिया 20 तो दिखा रहा है वो पहला वाला इफ वाला पार्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन जैसे मैंने इफ तो एलिफ एलिफ जितने चाहे आप यहाँ पे ऐड कर सकते। तो ये था हमारे पास इस तरीके से हम कैसे हैं इफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं, नेस्टेड इफ जो है हमारे पास कैसे इसको एक्चुअल वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हैं, या एलिफ वाला पार्ट जो है कंडीशनल चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए ये चीज़ें हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये भी रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर इफ एल्स जैसी चीज़ नहीं होती तो हमारे पास कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती। जैसे आप यूज़र नेम लेते हैं, पासवर्ड लेते हैं, तो सबसे पहले चेक किया जाता है यूज़र नेम और पासवर्ड लिया जाता है यूज़र से। अगर यूज़र नेम पासवर्ड तभी उसको वेलकम, तो दैट मीन्स वहाँ पे भी पहले इनपुट लिया जाता है फिर प्रोसेस करके उसको आउटपुट। तो ये था यहाँ तक हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे यूज़ की जाती है, इफ़ एल्स का सिंटेक्स क्या है, कैसे इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। छोटी सी एग्जांपल कोशिश की मैंने आपको समझाने की कि कैसे इफ़ एल्स का सिनेरियो वर्क करता है शेल में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक फ़िलहाल आज का जो पार्ट है आपको अच्छे से क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो ये था हमारे पास कैसे शेल स्क्रिप्टिंग, कैसे एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, बैश क्या है, डिफरेंट शेल्स क्या है, एक सिंपल फाइल कैसे बनाते हैं, उसके अंदर कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये था हमारा इसका आज का, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल आज के लिए, आज के लेक्चर में आई थिंक आज का जो पार्ट है हमारे पास इतना आज के लिए काफ़ी है। और अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन होंगे या कन्फ्यूजन होंगे या कोई सवाल है या कोई भी इशू है, तो कोशिश करिए आप नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे ज़रूर इस प्रॉब्लम को लिखिए, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको उसका जवाब देने। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।